उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए सऊदी हुकूमत ने शुरू की हरमैन एक्सप्रेस। 300 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी ये ट्रेन। सिर्फ 2 घंटे 20 मिनट में तय होगा मक्का से मदीना का सफर। रूस का साथ देते हुए यूक्रेन में अपनी फौज भेजने वाले चेचनिया के सदर पर अमेरिकी पाबंदी। रमजान कदिरोफ और उनकी फैमिली को अमेरिका ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। आर्मेनिया, अजरबैजान के बाद अब किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान होने लगी फौजी झड़पें। दोनों तरफ से हो रहे हमलों में 24 लोगों की हलाकत की खबर। अगर आप भी इस्तेमाल करते हैं जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर तो हो जाइए होशियार। महाराष्ट्र में बेबी पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाने की खबर। बच्चों के लिए नहीं पाया गया मुनासिब। आम आदमी पार्टी लीडर अमानतुल्ला खान के घर की गई रेड हो गई बोगस। वीडियो में खुद पुलिस वालों ने कहा कुछ नहीं मिला। संजय सिंह ने किया दावा। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की योम-ए-पैदाइश पर कांग्रेस ने भी दी मुबारकबाद। साथ ही कहा बेरोजगारी के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए चीता को किया जा रहा है हाईलाइट।